नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शोभा, बिहार में सिवान जिले से। मेरे चैनल में आप सभी के स्वागत। मेरे चैनल के नाम है शोभा की रसोई। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने किचन में। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो आज मैं बनाऊंगी समोसा। समोसे बनाऊंगी। तो समोसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो ले ली है मैदा। तो मैदा में हम डाल देते हैं 1 चम्मच खाने वाला सोडा, ताकि हमारा ये समोसा अच्छे से लग। इसे सोडा डालने से समोसा बहुत सुंदर इसका फ्लेवर आता है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच मुंगराई, 30 इसमें डाल देते हैं हम रिफाइंड तेल डाल करके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं नमक डालने से बहुत सुंदर इसका टेस्ट बढ़ता है। तो इधर देखिए दोस्तों, इधर हम समोसे के आटा तैयार कर रहे हैं, इधर हमारा ये गैस पर आलू उबल रहा है। देखिए दोस्तों, हमने मैदा को इतने सुंदर अच्छे से मसल लिए हैं, बहुत सुंदर इसको मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए कितना सुंदर इसे मुट्ठी में बना रहा है। तो इसको हम बहुत बढ़िया इसे बनेगा समोसा, बहुत खस्ता समोसा बनेगा, बनकर तैयार होगा। तो हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, लाइक करे, ढेर सारा शेयर करे। बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आटा कितना सुंदर तैयार हुआ है। तो इसे हम अब गूंथ लेते हैं थोड़े थोड़े पानी में। पानी इसमें डाल करके ज्यादा हमें ढीला नहीं गूंथना है, थोड़ा टाइट ही गूंथना है। जैसे ऐसे करके सारी गूंथ करके हम इसे सेट रहने के लिए छोड़ देते हैं। बस सेट होने के लिए 10 मिनट छोड़ देते हैं गूंथ कर। तो देखिए दोस्तों, हमने थोड़ी थोड़ी रिफाइंड ऑयल हाथों में लगा करके इसे थोड़ी थोड़ी हम मिला लेते हैं। इससे मुलायम सामने बहुत ही बढ़िया हमारा ये आटा भूनकर तैयार हुआ है। तो इसे हम रख देते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तब तक हम आलू को अपने चेक कर लेते हैं कि हमारा आलू उबला हुआ है कि नहीं। तो इसे हम ढक देते हैं। दोस्तों, ये हमारा आलू बहुत सुंदर उबल चुका है। तो इसे हम छिलके से अलग कर दिए हैं, बहुत ही सुंदर। अब इसे हम बहुत ज्यादा गर्म है तो इसे हम तोड़ लेते हैं। आलू को ज्यादा हमें नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा टाइट रखना है। समोसा बनाना है तो समोसे वाला आलू थोड़ा टाइट ही रहता है, ज्यादा हमें नहीं करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने थोड़ा आलू गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए तो यहाँ पे हमने मसूर की दाल थोड़ा सा भिगो लिए हैं। इसको भी डालेंगे मसाले के साथ, इसको हम भून लेंगे। इसे समोसे का मसाला जो चाट बनेगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत टेस्टी होगा। तो इसे भी हम डालेंगे समोसे में। देखिए दोस्तों, हमने सभी आलू को तोड़ लिए हैं, इतने ही पे हमें रखना है। तो हम भूनेंगे तो थोड़ा थोड़ा और टूट जाएगा, तो इसीलिए हम इतने ही पर रहने देते हैं। तो अब बाकी सामान और हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सारी सामान को हमने तैयार कर लिए हैं। तो अपने गैस को ऑन कर लेते हैं। अब रख देते हैं कढ़ाई। कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा तो हम मसाले को बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा ये कढ़ाई गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल,
जो हमने यहाँ पर एक टमाटर को उबाल रहे हैं, तो टमाटर की चटनी हम बनाएंगे समोसे के साथ, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया ये टमाटर की चटनी बनता है। तो इसे हम अच्छे से उबाल करके मिक्सी जार में चटनी इसे हम बना लेंगे। देखिए कितना सुंदर ये हमारा टमाटर उबल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है। देखिए दोस्तों ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देते हैं पाँच फोरन हम डाल देते हैं। पाँच फोरन से स्वाद बहुत सुंदर आता है। यहाँ पर हमने हरी मिर्च को काट लिए हैं, यहाँ पर हरी धनिया को काट लिए हैं, यहाँ पर एक बारी कटा हुआ प्याज है, यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च को हमने तोड़ कर रख लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें बना लिए हैं, कुट कर अच्छे से रख लिए हैं। तो देखिए दोस्तों हमने हरी मिर्च को डाल देते हैं। लाल मिर्च को हम फोरन में डाल देते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा चटक गया है, बहुत ही सुंदर से खुशी आ रहा है। तो इसमें हम डाल देते हैं एक बारी कटा हुआ प्याज, प्याज को हमने अच्छे से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए दोस्तों ये प्याज का आधा कलर हो चुका है, कितना सुंदर इसका कलर आया हुआ है। तो इसमें हम डाल देते हैं जो मसूर दाल को हमने भिगो कर रखे हैं, उसको थोड़े से हम प्याज के साथ भून लेते हैं। तो मसूर दाल थोड़ा पकता है तो पक जाएगा इसमें। तो देखिए दोस्तों ये हमारा मसूर का दाल बहुत ही सुंदर गल चुका है, पक चुका है बढ़ने से। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाला। देखिए दोस्तों एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर छोटी चम्मच आधा चम्मच लिए हैं, ये जीरा पाउडर एक चम्मच, ये गरम मसाला है एक छोटी चम्मच, ये चाट मसाला डाल देते हैं। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा हमें मिर्चा नहीं डालना है, हमारे घर में बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा है, तो बच्चा सब तीखा नहीं खाना पसंद करता है, समोसा बहुत ज्यादा खाते हैं, खाना पसंद करते हैं वो, तो हम इसीलिए ज्यादा तीखा नहीं बना रहे हैं, नॉर्मली मिर्चा डाले हैं। देखिए दोस्तों हमने एक चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं। यहाँ पे अदरक लहसुन का हमने पेस्ट बनाकर रखे हैं, वो भी डाल देते हैं। अब इसमें हमें पानी नहीं डालना है, तो इसी तरह सूखे हम पका लेंगे। थोड़ी सी पानी डाल देते हैं, हल्का पहले हमारा मसाला अच्छे से पक जाए, तब उसके बाद हम डालेंगे आलू को। तो देखिए दोस्तों हम सारी मसाले को मिला लिए हैं, हमारा मसाला भी पक चुका है, थोड़ा सा और पकाएंगे। तो हमने डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हिंग डाल देते हैं इसमें। हिंग से बहुत सुंदर खुशबू आता है, टेस्ट आता है बहुत सुंदर, इसे हिंग डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम आलू इसमें डाल करके पका लेंगे। ये हमारा 5 मिनट हो गया है, तो इसे हम मसाले को चेक कर लेते हैं, हमारा अच्छे से मसाला पक चुका है कि नहीं।
दोस्तों, ये हमारा मसाला बहुत ही सुंदर पक चुका है, तो इसे हम गैस को थोड़ा कम कर देते हैं। इसमें अगर हम डालते हैं आलू, क्योंकि कितना सुंदर ये मसाला हमारा बनाकर रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर इसमें खुशबू आ रहा है। तो इसमें हम डाल देते हैं आलू, जो उबाला हुआ आलू है, समोसे को मसाला हम बहुत सुंदर बनाए हैं। तो हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, हमारे वीडियो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। बहुत सुंदर समोसे बना रहे हैं, चटपटा समोसे, बहुत टेस्टी। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने हरी धनिया के पत्ते जो काट कर रखे हैं, उसको हम इसमें डाल दिए हैं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इसे हम सभी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसे उतार लेंगे। बहुत ही सुंदर ये हमारा समोसे का मसाला बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सुंदर इसे खुशबू आ रहा है, बहुत टेस्टिंग हमने बना रहे हैं समोसे। तो हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे अब उतार लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इनमें जो टमाटर को उबाल कर रखे हैं, उसको चटनी बना लेते हैं मिक्सी जार। समोसे से खाने के लिए हमने चटनी बना रहे हैं। देखिए क्या क्या लिए हैं। तो यहाँ पे लिए हैं हमने धनिया, हरी धनिया का पत्ता, यहाँ पे दो हरी मिर्च, यहाँ पे हमने दो तीन कली लहसुन को हमने छील कर रख लिए, यहाँ पे अदरक को छील कर काट कर रख लिए, यहाँ पे कच्चा बादाम लिए हैं, यहाँ पे हमने कच्चा नारियल लिए हैं, यहाँ पे हमने आम की खटाई लिए है, थोड़ी सी भिंगो लिए है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए, जो आम छोटे छोटे होता है ओढ़ा ही है, तो इसी को हमने छील कर सुखा कर रखे है खटाई। यहाँ पे हमने रखे हैं, लिए हैं स्वाद अनुसार नमक। तो इसे हम चटनी बना लेते हैं मिक्सी जार में। ये हमने चटनी बना लिए है, नारियल का चटनी बहुत ही सुंदर बनाया है हमने। नारियल और मूंगफली का चटनी बहुत टेस्टिंग बना है ये हमारा चटनी। तो इसे हम ढक देते हैं। ये देखिए टमाटर की चटनी हम बहुत ही सुंदर बनाए हैं। इसमें हम डालेंगे चीनी। देखिए दोस्तों, हम टमाटर में डाल रहे हैं एक बड़ी चम्मच चटनी में, टमाटर की चटनी में चीनी। इसमें हम ड्राई फ्रूट कलर डाल दे रहे हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा टमाटर चटनी बनकर तैयार हो चुका है। बच्चे भी बहुत सुंदर ये पसंद करता है खाना, टमाटर की चटनी मीठा चटनी हो गया ये टमाटर के संग खाने में, समोसा से खाने में टमाटर चटनी। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर हमने टमाटर की चटनी बनाए हैं, मीठा चटनी। इसे भी रख देते हैं। अब हम समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज मिर्चा को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं समोसे के संग। समोसे के साथ खाने में बहुत मजा आता है। तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत सुंदर प्याज हरी मिर्च काट लिए हैं, तो इसे भी रख देते हैं। अब समोसा दोस्तों, ये हमारा 10 मिनट हो चुका है, ये बहुत बढ़िया आटा हमारा सेट हो चुका है समोसा का। तो हम फिर इसे थोड़े हल्के रिफाइन तेल लेकर के मसल लेते हैं, शुरू करते हैं बनाना समोसा। बना लिए हैं टिकिया समोसा बनाने, तो इस पर हम थाली पर थोड़े से रिफाइंड ऑयल लगा लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से थोड़ी सी हमने सूखा मैदा लिए हुए हैं, तो इसको हम थोड़े थोड़े बढ़ा लेते हैं, बेल लेते हैं बेलन के सहारे से। ये है, ये रोटी जैसे हमने बेल लिया, तो इसे हम चाकू के सहारे बीच बीच से काट लेते हैं दो टुकड़ा। इसे हम बना लेते हैं समोसा, समोसे की डिजाइन। तो थोड़ा इस पर हम दोनों साइड थोड़ा तेल रिफाइन तेल लगा लेते हैं, चिपकने के लिए, बहुत बढ़िया से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इसे हम फोल्ड कर लेते हैं, देखिए इसी तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं।
बना लिए हैं, ये ठोंगा जैसन बना लिए हैं समोसे का ये ठोंगा। तो इसमें हम भर रहे हैं मसाले को, देखिए दोस्तों हमने मसाले इसमें भर लिए हैं, ज्यादा ज्यादा हमें नहीं भरना है नहीं तो खुल जाएगा, थोड़ा थोड़ा हमें भरना है, ये बन नहीं पा रहा है तो इसे ऐसे करके हम दबा लेते हैं। जब मसाला हो गया है तो इसे हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं साइड से। तो देखिए दोस्तों इसी तरह हम बना लेंगे, सुंदर हमने समोसा बनाया है, कितना बढ़िया एकदम बिल्कुल बाजार जैसा डिजाइन बनाए हैं, बहुत सुंदर ही बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों हम दो समोसे बना लिए हैं, कितना सुंदर। तो इसी तरह हम सारे समोसे को बना कर के तब बाद में तल लेंगे सब। देखिए दोस्तों ये हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं रिफाइन ऑयल, हम समोसे को बना लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने समोसे को बना लिया है तो इसे हम डाल देते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देते हैं समोसे और हम इसे अच्छे से तल लेंगे। कितना सुंदर बन चुका है, बहुत ही कुरकुरा बना है हमारा समोसा। तो इसे हम खाने के लिए परोस देते हैं थाली में। तो देखिए दोस्तों ये हमारा समोसा बनकर रेडी हो चुका है तो हम निकाल लिए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने चटनी बनाए हैं नारियल बादाम को, तो यहाँ पर देखिए मिर्चा और प्याज को काट लिए हैं, यहाँ पर मीठा चटनी बनाए हैं टमाटर को, तो इसे खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कितना सुंदर ये खस्ता समोसा बनकर तैयार हुआ है, कितना बढ़िया कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट देखते रहिए, हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।